लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को राहत देने के लिए जो दो तिहाई युवा है उसके बेहतर भविष्य रूप से मजबूत होगा। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार की बजट महिलाओं और युवाओं किसानों के हक में काफी बेहतर साबित होगी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। देखिए, बजट लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो दो तिहाई युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी जरूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बजट से तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने किसानों के हक में काफी बड़ा फैसला लिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल क्लास परिवार और ऐसे युवाओं के भविष्य के लिए भी पीएम मोदी ने काफी बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से देश काफी आगे बढ़ेगा और हर तरह के लोग आगे बढ़ने का अवसर ले पाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए भी ये बजट काफी खास साबित होगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के हक में भी काफी बेहतरी साबित होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस चीज की जरूरत थी और जिस चीज के लिए बातचीत हो रही थी वैसा ही बजट बनाया गया है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।